हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ पहाड़ी मूली की झोली भात। ये देखिए, हमने अपने खेत से मूली उखाड़ी है और उसको अच्छे से धो के उसको सिलबट्टे में थेच लेंगे, मतलब कि कूट लेंगे। ये देखिए, इसको बारीक बारीक ऐसे ही सिलबट्टे में वो कर लेंगे, बारीक मतलब कूट लेंगे या थेच लेंगे बोलते पहाड़ी में। तो ये देखिए, बारीक बारीक से ऐसे कर लेंगे क्योंकि इसको ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। पहले मैंने सिलबट्टे को धो के अच्छे साफ कर लिया था, उसके बाद मैंने मूली इसमें थेच दी है। ये देखिए, अब कढ़ाई पे साबुत धनिया, हरी लाल मिर्च और जीरा और मूली डाल दिया। तो देखिए, अच्छे से भून लेंगे इसको। इसमें हरी मिर्च की पीस रखी थी, तो मैंने सरसों के बीज भी डाले हैं दोस्तों। अब इसमें मसाले मिक्स कर लेंगे, हरा धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, धनिया को डाला है और हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला, जो भी मसाले आप डाल के डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सब्जी पक चुकी है, इसको थोड़ा सा बाउल में निकाल लेंगे। अब हम बेसन और बेसन में मसाले घोल लेंगे और मट्ठा डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने पतंजलि की छाछ ले रखी है 2 पैकेट, वो बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं आने चाहिए, अच्छे से घोलना है इसको और मसालों को भी अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे। अब हमने सब्जी निकाल ली है, अब इसमें मट्ठा डाल लेंगे। अब इसको हल्की आंच करके चलाते रहेंगे जब तक एक उबाल जैसा ना आ जाए, ये तो मट्ठा फट जाता है फ्रेंड्स। शुरू में आँच कम करनी पड़ती है, बाद में मीडियम पे रख सकते हैं। इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, लेना नीचे फटे ना। ये देखिए, अब हमारी झोली उबल चुकी है अच्छे से। अब हम इसको थोड़ी देर तक और उबालेंगे अच्छे से, फिर इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए, अच्छे से पक चुकी है, जितना ज़्यादा झोली को पकाएंगे उतनी ही स्वादिष्ट होगी खाने में। बन गया हमारा खाना आज दिन का लंच। आप लोग भी खाइए, बनाइए अपने घरों में। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए गाइस। कल और नई एक रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी मैं, तब तक के लिए अपना